हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस नाम में ही क्या है? अगर मैं सिंपली आपसे नाम बोलूं तो इस नाम में ही है क्या? बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। बायोलॉजी के कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम, बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की मदद से बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो एरिया कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। सो बायोलॉजी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम यही देखने वाले हैं कि हम कंप्यूटर के हेल्प से अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ रहा है व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? ये तो बेसिक आइडिया आप सबको पता होगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। सो हम बहुत कंप्यूटर के बहुत चीजों पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल्स क्या क्या यूज करते हैं हम वो जरूर देखेंगे। ठीक है, वो जरूर देखने वाले हैं। ज्यादातर क्या एप्लीकेशन से क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि एक बायोलॉजी होता है, एक इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। और बायोलॉजिकल डेटा जो होते हैं हमारे पास, जो कि हम स्टोर करके रिसर्च पेपर से जो हमारे पास है, उस बायोलॉजिकल डेटा को यूज करके एक डेटा बेस में क्या होता है, किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक आपका डेटाबेस चाहिए। तो एक डेटाबेस में कलेक्ट करके हम उसको कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के थ्रू हम अपने किसी पर्पज के लिए यूज करते हैं, अपने किसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इन सिलिको टेक्निक। व्हाट इज इन सिलिको? इन सिलिको का मतलब होता है, इन सिलिको का मतलब होता है ऑन द कंप्यूटर और वाया कंप्यूटर एल्गोरिदम्स। अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन सिलिको टेक्निक्स। नाउ व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स? क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है, क्या यूज इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जीन्स। कभी कभी क्या होता है कि आप रैंडमली ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कैंडिडेट जीन्स को, लेकिन हम प्रीवियस जो डेटा होते हैं हम उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज कैंडिडेट? कैंडिडेट का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ SNPs। SNPs का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि म्यूटेशंस में काफी रोल प्ले करते हैं, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ड्रग डिस्कवरी, कुछ ड्रग डिस्कवरी के लिए होता है जो कॉमन यूज किया जाता है आपके इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। व्हाट आर द गोल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स? कितने गोल्स होते हैं देखना है। व्हाट आर द गोल्स? यहाँ पे बहुत सारे गोल्स दिए हुए होंगे आपके, क्या है देखिएगा, जैसे कि सिक्वेंस अलाइनमेंट। दो सिक्वेंस को अलाइन करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जस्ट सपोज कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन का डेटा है और एक है चिंपैंजी का डेटा। हम बोलते हैं कि हम चिंपैंजी से ज्यादा सिमिलर है रेदर देन मंकी। ये बोला जाता है, यस और नो? कि हम बोला जाता है कि मंकी से ज्यादा सिमिलर हम चिंपैंजी से है, लेकिन चिंपैंजी से क्यों, कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कह दोगे? ऐसे तो कह नहीं सकते कि हाँ ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बोल देंगे। इसलिए कि हम अपने जीन को, ये ह्यूमन का पूरा जीनोम का डेटा बेस कंप्यूटर में फीड कर दिए, चिंपैंजी का फीड कर दिए, उनको फिर सिमिलर अलाइनमेंट करके क्या किया कि मैच कराया कि कितने सिक्वेंस जो है डिफरेंट है, कितनी सारी चीजें हैं, वो अभी हम लर्न करेंगे और डिटेल में क्लास में। सो अलाइनमेंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जीन फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कहां पे कौन सा जीन प्रेजेंट है। मान लो कि एक आपने नॉवेल जीन आइडेंटिफाई किया, मतलब नया जीन आइडेंटिफाई किया जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसका सिक्वेंसिंग कराया आपने। सिक्वेंसिंग करा के क्या किया कि आपने इसको अलाइन कर दिया ह्यूमन जीन से, और ह्यूमन में ये कहीं एक ऐसी जगह पे अलाइन हो गया जहां पे पूरा का पूरा 100% सिमिलरिटी शो कर रहा है, जो कि हेक्सोकाइनेज
की तरह काम करता है। तो आप बोल सकते हैं नॉवेल जीन का जो फंक्शन होगा वो हेक्सोकाइनेज की तरह होगा, सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द जीन फाइंडिंग। समझ में आ रहा है ये सब कुछ गोल्स है, गोल्स समझ में आ रहा है, व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करने क्या वाले हैं, एग्जैक्टली करने यही वाले हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, जीन फाइंडिंग, जीनोम की असेंबली है, ड्रग की डिस्कवरी होता है कि कौन सा ड्रग कहाँ पे बाइंड करता है, किस जीन सीक्वेंस पे, पहले हम उसको लैपटॉप पे देखते हैं या एल्गोरिदम्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू लर्न करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडक्शन होता है और इवोल्यूशनरी स्टडीज भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पूरे के पूरे ओवरव्यू ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करें तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी, पढ़ा है सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, पढ़ा है ना यही, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन पढ़ा होगा, अगर मैं जहां तक यूज करता हूं पढ़ते चले आ रहे होंगे, सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेंट्रल डोगमा क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसी तरीके से सेंट्रल डोगमा की तरह वर्क करता है, वेयर द सिक्वेंस सिक्वेंस इज लाइक डीएनए, इसके पास इंफॉर्मेशन होता है, सिक्वेंस से हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रोटीन फोल्डिंग में भी बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही टर्शियरी या क्वार्टरली फोल्डिंग में हेल्प करता है, सिक्वेंस स्ट्रक्चर जो होता है आपका, सिक्वेंस ही आपके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है, और स्ट्रक्चर अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तब उसका फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसका हम फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिक्वेंस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फंक्शन, समझ में आया, व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये सारा काम आपके ड्राई लैब होंगे, ड्राई लैब का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पे होगा, नो वेट लैब। ठीक है, महज समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब हम पूरे के पूरे ओवरव्यू जो करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं पूरे के पूरे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, समझने की कोशिश करना कि आपके पास एक पहली बात, अगर मैं कहूं कि कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी स्टडी करने चाह रहे हो, कुछ गूगल पे क्या करते हो, गूगल पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च मारते हो, गूगल भी ऐसी तरीके से होता है, गूगल क्या करता है, आप जब एक मारते हो, जस्ट सपोज सिंपल सी बात करें, गूगल पे कई लोग सर्च मारते हैं, खासकर जो लोग लर्न करते हैं, चलो हम मार लेते हैं ऋतिक रोशन को, ठीक है, ऋतिक रोशन आप सर्च मारोगे, सो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये उस अपने उस डेटाबेस से मैच कराएगा कहां कहां पे ऋतिक रोशन जो है आ रहा है, जब आप सर्च रिजल्ट देखते हो तो उसमें क्या आता है, ये रहा ऋतिक रोशन, ये रहा ऋतिक रोशन, जहां 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 वो वर्ड यूज हुआ होगा वो रिजल्ट के फॉर्म में दे देगा एग्जैक्टली ये कहां से देता है, उसके पास एक डेटाबेस होता है जहां पे वो पूरा कलेक्ट करके रखा रहता है अपने डेटा को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उसके पास पूरा का पूरा एक डेटाबेस होता है जहां पे वो कलेक्ट करके रखा रहता है डेटाबेस को, जहां से कि वो रिजल्ट को क्या करता है, रिजल्ट को देने की कोशिश करता है, मैच कराएगा, मैच करा के रिजल्ट को देगा, समझ में आ रही बात, चलो तो अब बात करते हैं क्या है रिसोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस अब देखने पूरा का पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर ये ओवरव्यू समझ में आ गया तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपने आप समझ में आ जाने वाला है, ओवरव्यू समझ में आ जाएगा तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा, क्या होगा कि एक रिसोर्स होगा, रिसोर्स से रिट्रीवल करोगे, रिट्रीवल का मतलब होता है डाटा को क्या करना, निकालना, रिट्रीव करोगे, डाटा को निकालोगे, ठीक है, डाटा को निकालोगे, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के बाद डाटा को रिट्रीव करोगे, रिट्रीव करने के बाद क्या होगा, आप अपना क्वेरी का मतलब जिससे आपको जिस जीन को जिस सीक्वेंस को आपने किया है उस जीन को क्या करोगे, यहाँ पे क्वेरी पुट करोगे, अलाइन कराओगे, अलाइनमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, सिक्वेंस अलाइनमेंट या स्ट्रक्चर अलाइनमेंट हो सकता है, सिक्वेंस हो सकता है या स्ट्रक्चर अलाइनमेंट हो सकता है, और सिक्वेंस अलाइनमेंट पेयर वाइज हो सकता है या लोकल पेयर वाइज हो सकता है या मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज का मतलब दो सिक्वेंस ही अलाइन करते हैं और मल्टीपल में कई सारे सिक्वेंस एक साथ अलाइन कर देंगे, और या तो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट हो सकता है, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट हो सकता है, उसके लिए हम प्रोटीन मॉडलिंग करते हैं,
और या तो हम अलाइनमेंट के बाद फाइलोजेनिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, फिर प्रोटीन की मॉडलिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग के बाद हम प्रोटियोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हैं। दीज आर द ओवरऑल बायोइन्फॉर्मेटिक्स ओवरव्यू। एक बार फिर से मैं रिक कर रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा, रिसोर्स होगा जो कि डाटाबेस होगा, जहां पे कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, डेटा का कलेक्शन होगा, कलेक्शन पे जहां पे कि पूरा डेटा स्टोर्ड है, और उसके बाद स्टोर्ड के बाद अब बात करते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। रिट्रीवल का मतलब कुछ सबमिशन के लिए चाहिए कि डेटा सबमिशन टूल्स होते हैं और रिट्रीवल टूल्स होते हैं। टूल्स का काम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि हम डेटा को डेटाबेस में डालते हैं या उससे रिट्रीव करते हैं। इस टूल से आप क्वेरी को यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद अलाइन करोगे, अलाइन करने के बाद आप जीन फाइंडर, ओआरएफ फाइंडर, जीन एनोटेशन, ये सारी चीजें होती है, सिक्वेंस स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, और ये फाइलोजेनी या प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मॉडलिंग के बाद प्रोटियोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ ये तक? वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।